గత 6 రోజుల నుండి ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన భారీ వర్షాలకు బ్రిడ్జ్లు రోడ్లు తెగిపోయి పంటలు దెబ్బతిన్నాయని ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇంద్రవెల్లి మండలంలో స్థానిక సర్పంచ్ సేవంత్ రోహిదాష్ అన్నారు. అయితే ఈ వర్షాల దాటికి ఇంద్రవెల్లికి పోయే ప్రధాన బ్రిడ్జ్ కూలిపోయిందని రోడ్లు కూడా దెబ్బతినడం వలన రాకపోకలకు చాలా ఇబ్బంది కలిగిందన్నారు. టూ వీలర్ తప్ప ఏ ఇతర వాహనాలు వెళ్లలేని పరిస్థితి ఉందన్నారు. దయచేసి పై అధికారులు స్పందించి వెంటనే బ్రిడ్జ్ మరమ్మతులు చేయించాలని వేడుకున్నారు. हरकापुर तांडा राठौड़ सेवंताबाई रोहिदास सरपंच, हमारा परिस्थिति इतना डेंजर है. 15 दिन से पानी ऊपर से चालू है. 4-5 दिन से हमारा नाला पूरा एक कम से कम 150 मीटर पूरा चले गया पानी से. खाली एक व्हीकल पास हो सकता है या ऑटो तो नहीं निकलने का चांसेस है. इधर उधर जाने आने वाले लोग का पानी के लिए कुछ सामान लाने के लिए बहुत डर में है. लोग का थोड़ा परेशान में है. तो उसके लिए मेहरबानी करके भाई ऑफिसर रन दो, अपना MPDO ऑफिस रन दो, कलेक्टर रन दो, ऊपर से कोई MLA रन दो, MP रन दो या चेयरमैन रन दो. हमारे को कुछ तो भी आके सहायम करना. हमारा गांव में आधा गांव में पानी घुस गया. हरकापुर तांडा कोलामगुड़ा इधर हमारा नाला पार होने के बाद हमारी परिस्थिति बहुत डेंजर है. मेहरबानी करके तुम्हारी एक ही विनती है कि ये ऐसा कभी हमारे पैदाशी 45 साल है 45, लेकिन हम नहीं देखे. अब इससे पहले भी लोग बोल रहे कि बड़े लोग का हम है सो नहीं देखे. फिर ये कैसा आया कि 2 साल करोना तो कैसा भी सुकून से ऊपर से गवर्नमेंट चावल दिए सब दिए हम खा लिए, लेकिन ये परिस्थिति और 4 दिन पानी रहे तो हम भी जाने का मोमेंट था. रातों रात में कई लोगों का जनावरा चले गए, उनका बकरिया चले गए, स्प्रिंकलर सटा चले गए, खेत में से मोटरा चले गए. इतना भयानक परिस्थिति है. खाली एक ERO आके इंक्वायरी करके गए, उतना जे न MRO आया न MDO आया, कुछ भी कोई भी नहीं आ रहे. उसके लिए हमारा बोलने का उतना है कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रोड बंद होगा तो हमारे को खाने को मोहताज होता हमारे पब्लिक. उसके लिए हमारे गांव में 15-20 घर लोगों को हरकापुर जाने का बाईपास रोड पे ग्राम पंचायत से 3-4 दिन खाना खिलाए. हम खाना खिलाए बोल तो हमारे तरकारी लाना बोले तो रोड उतना कट कर होके है. मेहरबानी करके ऊपर से हमारा MLA मैडम है, हमारा ऊपर से कलेक्टर है, हमारे आज जिले को आए हमारे इंद्रवेली मंडल में फिर रहे कहते थोड़ा हमारा परिस्थिति देख के गए तो हम बहुत खुशी में रहते. हमारे को थोड़ा हिम्मत रहता, हमारे को थोड़ा बल रहता. उसके लिए हमारा बोलने का एक ही है कि आज ये खाली नॉर्मल हम ग्राम पंचायत से मोरम डालो बोले तो डाले, 2 साल से डाले, वो मोरम जाके कहाँ गिर जा रहा पता नहीं लग रहा. उसके लिए हमारे को एक बड़ा कलवट यहाँ पर दे दिए समझो तो हमारी लॉन्ग लाइफ यहाँ अच्छा होते. कल के दिन हमारे बाल बच्चे पढ़ने को जाने वाले बहुत मुसीबत में है. उसके लिए हाथ जोड़ के विनती एक ही है कि इसके बारे में अच्छा चर्चा लेना. हरकापुर तांडा और हमारा इधर एक कोलामगुड़ा है, हमारी परिस्थिति बहुत भयानक है. छोटा सा गांव इधर एक 30-40 घर मच्छापुर तांडा है, 3 किलोमीटर रोड है, 3 कलवट डैमेज है, तो वो भी बहुत परिस्थिति में है उन लोग का. उसके लिए हमारी ग्राम पंचायत छोटी है, हमको ट्रैक्टर को डीजल 2 कामाटी को पैसे बस नहीं होता, हम कुछ नहीं कर सकते. उसके हम भाई ऑफिसर को रिक्वेस्ट करके कलेक्टर मैडम